और बचाव का काम जारी है, लेकिन अब भी करीब 5,000 लोग फंसे हुए हैं। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक अकेले 4,000 लोग बद्रीनाथ में फंसे हुए हैं। यही नहीं, अब तक 822 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। उत्तराखंड में तबाही के बाद 97,000 लोगों को निकाल लिया गया है, लेकिन 9 दिन बाद अभी भी करीब 5,000 लोग फंसे हुए हैं। इस बीच तबाही में मरने वालों की संख्या 822 हो गई है। बीते 2 दिन से खराब मौसम के कारण राहत पर असर पड़ा। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने कहा कि मलबा हटाने के बाद ही मरने वालों की संख्या का पता चल पाएगा। मैक्सिमम इस वक्त जो है हमने कल रिव्यू किया था, अगर आप बद्रीनाथ की जो लोकल पॉपुलेशन छोड़ दें तो अपर लिमिट जो होगी, अपर लिमिट विल नॉट बी मोर देन 5,000। केदारनाथ इलाके की चोटियों में हुई बर्फबारी ने राहत और बचाव कार्य की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। गुप्तकाशी से केदारनाथ और गौरीकुंड की पहाड़ियों पर बर्फ साफ देखी जा सकती है। केदारनाथ में शवों के आज डीएनए सैंपल लिए जा सकते हैं। मंगलवार को मौसम खराब होने की वजह से ये काम नहीं हो पाया था। अगर मौसम ठीक रहा तो डीएनए सैंपल लेने के लिए एक्सपर्ट आज ही केदारनाथ जाएंगे, इसके बाद ही शवों का अंतिम संस्कार किया जाएगा। जो डेड बॉडीज वहां पर पड़ी हुई हैं, उनका सबसे पहले डीएनए सैंपल लेंगे ताकि क्रिमेशन के बाद कोई फैमिली से उनके मैच करके पता लगाया जा सके कि ये फलाना व्यक्ति था। दूसरा, फिंगरप्रिंट्स लेंगे और फोटोग्राफ भी लेंगे शिनाख्त और पहचान के लिए सबों के। केदारनाथ में हुई तबाही में मारे गए लूबू के अंतिम संस्कार के लिए सामान पहुंचा दिया गया है। सेना के विशेष हेलीकॉप्टर के जरिए लकड़ियां और दूसरे विधि विधान के सामान को केदारनाथ पहुंचा दिया है। उत्तराखंड में तबाही के बाद बीमारी फैलने की आशंका को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग ने प्रभावित इलाकों में 3 उच्च स्तरीय टीमें भेजने का फैसला किया है। ये टीमें आज प्रभावित इलाकों की समीक्षा करेंगी। इसके अलावा 8 टीमों को हर समय तैयार रहने के आदेश दिए गए हैं। उत्तराखंड में आपदा प्रभावित इलाकों से 115 यात्री मंगलवार को चंडीगढ़ लौट आए हैं। इनमें से ज्यादातर यात्री हेमकुंड साहिब की यात्रा पर थे। इन्हें उत्तराखंड से 3 बसों में भरकर चंडीगढ़ पहुंचाया गया। बिहार से 4 धाम की यात्रा पर गए 60 लोग उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से लौट आए हैं। इनमें से ज्यादातर यात्री ऐसे हैं जो भारी बारिश और बाढ़ आ जाने के बाद उत्तरकाशी के बड़कोट से वापस लौट आए।